हेलो क्लास, तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक। और आज का जो टॉपिक है वो है आपके एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 मार्क्स के क्वेश्चन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी कि न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को किस तरीके से एडजस्ट करना है। आज क्वेश्चंस में 8 नंबर क्वेश्चंस पक्का है कि दो मेथड आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे न्यू कैपिटल को फाइंड करना, या न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना। ये दो क्वेश्चन तो पक्के आते हैं। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करा चुके हैं। अगर नहीं है तो आई बटन पे जाइए और वहां से क्लिक करके आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज होती है, एक टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज होती है। टाइम पे यानी जो हमारे एग्जामिनेशन में गिवन टाइम रहता है उस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज होती है, और ऐसे नॉर्मल घर पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना अलग चीज होती है, क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट होता है और आपके घर पे ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। खाते पीते आप क्या करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बट वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। आपको प्रेशर के साथ साथ टाइम की लिमिटेशंस होती है। हम बताएंगे आपको कि उस लिमिटेड टाइम में और प्रेशर में आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे करोगे और 8 में 8 मार्क्स, सोच रहे हो, पूरे पेपर का 10% आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चंस जो कि आप लोग के सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चंस है भाई, तो सबसे पहले चीज आप बात करेंगे क्वेश्चंस को, आप केयरफुली रीड करेंगे, रीड करने के बाद ही आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस में ऑन द 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट W एंड R दो है, W एंड R का गिया है, उनका रेशियो गिवेन है हमारे पास 3:2। सबसे पहले लाइबिलिटी साइड को चेक कर लो, कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे कैपिटल अकाउंट में जाते हैं या कुछ हैं। तो एक बार क्या करिए कि पहली बार एकदम केयरफुली क्वेश्चंस को रीड करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करिए। तो क्रेडिटर्स गिवेन है प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ज्यादा है भूलिएगा मत, यहाँ पे दिया हुआ है, और कैपिटल दिया है दोनों का W एंड R का। कैश डेटर दिया हुआ है, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी एंड पेटेंट दिया हुआ है। यहाँ पे ऑन दिस डेट बी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर्स ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस, बी को एडमिट कर लिया गया है न्यू पार्टनर्स में, कुछ कंडीशंस के साथ इनको लाया गया है। क्या कंडीशंस है उसको हम लोग पढ़ते हैं। बी विल गेट द 4/15 शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी हैड टू ब्रिंग 30,000 एज हिज कैपिटल, टू विच अमाउंट अदर कैपिटल्स अदर पार्टनर्स कैपिटल शैल हैव बीन एडजस्टेड, यानी कि औरों के कैपिटल को हम लोग इनके कैपिटल के बेसिस पे एडजस्ट करेंगे। तो चलिए आगे देखेंगे। ही वुड पे द कैश फॉर हिज गुडविल, गुडविल के लिए कैश पे कर रहा है, एंड विच बी बेस्ड ऑन द 2.5 ईयर्स परचेज एंड 2.5 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के 2.5 ईयर्स परचेज के बेसिस पे गुडविल का फॉर्म का गुडविल फाइंड करना है, देन उसके शेयर हम लोग निकालेंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। द एसेट्स बी रिवैल्यूड एज अंडर सन्ड्री डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस 5% प्रोविजन, ना प्रोविजन क्या करना है आपको करना है डेटर पे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक एट 20,000, प्लांट एंड मशीनरी एट 40,000, एंड द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2014, 2015, 2016 का जो प्रॉफिट है, यहाँ पे देखिए पास 4 ईयर्स दिया है, बट आपके क्वेश्चंस में सर सिर्फ 3 ईयर्स का प्रॉफिट गिवेन है, तो आप 3 साल का ही प्रॉफिट है ना, 1, 2 और 3। चलिए कोई बात नहीं, एक छूट गया है उसको हम लोग कवर करेंगे। 4 ईयर्स का प्रॉफिट है, इसमें 20 और 30, 30, 40,000, और एक इसमें प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे, क्योंकि टोटल इसका जो प्रॉफिट शायद मिसप्रिंट हो गया या छूट गया है, तो 4 ईयर्स का प्रॉफिट है। हम लोग देखेंगे आगे किस तरह से कितना फाइंड करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट को ऐड करने के बाद हमारा 60,000 आना चाहिए, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग देखेंगे, ये हमारा दिया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे सर, सबसे पहला काम रहेगा हमारा फाइंड करेंगे रिवेल्यूशन अकाउंट, फाइंड कर लेते हैं सबसे पहला काम, और फटाफट हो जाता है। तो रिवेल्यूशन को हम लोग फाइंड कर लेंगे, और ताकि आप लोगों को आगे का प्रोसेस करने में हेल्प हो जाए। तो सबसे पहला काम ये हमने पढ़ लिया, और हम लोग को रिवेल्यूशन अकाउंट बनाना ही बनाना है। तो सबसे पहले टारगेट करेंगे आप रिवेल्यूशन का, तो फॉर्मेट आप लोगों को पता ही है रिवेल्यूशन का, देखिए रिवेल्यूशन अकाउंट
आपने सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर देना है यहाँ पे, पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, पार्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीस, ठीक है। ये हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे दिया है पहला, सन्ड्री डेटर्स एट बुक वैल्यू लेस 5% प्रोविजन फॉर, 5% प्रोविजन, ठीक है। कितने परसेंट प्रोविजन लेना है सर? 5%। और अगर 5% की बात करें तो सन्ड्री डेटर हमारा गिवन है 20,000, 20,000 का जो 5% होगा वो होगा 1,000, ठीक है। बट हमारे पास ऑलरेडी देखिए यहाँ पे प्रोविजन 700 का है ना पहले से, तो सिर्फ कितना बड़ा प्रोविजन, 300 बड़ा ना, तो सिर्फ हम लोग यहाँ लिखेंगे टू प्रोविजन, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 300। तो आप इसको यहाँ पे लिख लेंगे, आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद यहाँ लिखा है कि स्टॉक की वैल्यू 20,000 हो गया और हमारे बुक में स्टॉक की वैल्यू 25,000 है। अब हो गया हमारा कितना भाई, 20,000। तो स्टॉक क्या हो गया हमारा, घट गया। घट गया तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे स्टॉक लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड, क्योंकि हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे होता है। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जितने हमारे इनकम और प्रॉफिट होते हैं हमारा जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे 5,000 का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, क्योंकि हमारी जो बुक वैल्यू में दिया है, बुक वैल्यू यानी कि जो हमारा बैलेंस शीट में गिवन है वो 25,000 है, बट उसकी मार्केट प्राइस अब हो गया हमारा कितना, 20,000। तो 5,000 का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। प्लांट एंड मशीनरी एट 40,000, प्लांट एंड मशीनरी हमारा 35,000 दिया था, बट अब उसकी वैल्यू 40,000 हो गया, तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे भाई प्लांट एंड मशीनरी 5,000, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 5,000, ठीक है। इतना हो गया, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम क्या करना है भाई, डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस देखिए यहाँ पे 5,300 और यहाँ पे 5,000, तो हमें लॉस हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे भाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखिएगा आप, कौन पार्टनर है भाई, डब्ल्यू एंड आर, उनके रेशियो में क्या करेंगे, इस 300 को जो डिफरेंस आया उसको हम लोग बांट देंगे। तो बांटेंगे तो 180 120, इतना ध्यान दीजिएगा, 300 हमारे यहाँ पे आएगा, टोटल 5,300, डबल लाइन से क्रॉस कर देंगे, यहाँ भी 5,300 और डबल लाइन से इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर, ये हमारा बन के तैयार हो गया रिवेल्यूशन अकाउंट, क्लियर। इतना आसान है रिवेल्यूशन अकाउंट, मैंने कितनी बार बताया आप लोग को आता भी है, तो ये आसान है, फटाफट इसको 2 मिनट के अंदर क्या करेंगे, रिवेल्यूशन अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसमें आप लोगों को क्या देखना है सर, देखना इसमें है कि भाई हमको कितना लॉस हुआ है, लॉस हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ले जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं, इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। चलिए आप लोग ड्रॉ करिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, तब तक हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जितने पार्टनर्स होते हैं उतने हमारे अमाउंट के कॉलम होते हैं, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अकाउंट्स, ठीक है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे पार्टिकुलर्स जैसे लिखते हैं, पार्टिकुलर्स और अमाउंट हमारा रहेगा W, R और B, जो कि हमारा न्यू पार्टनर्स आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स और W, R और B, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने, इसके लिए लाइन खींच देंगे आप और इसका अमाउंट भी आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस BD ना, बीडी में क्या करते हैं, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, जो हमारे बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल दिया रहता है, उसको फटाफट क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं। हमारा कैपिटल कितना दिया, 40,000 एंड 30,000 ना, तो 40,000 एंड 30,000 क्या करेंगे हम लोग, कैपिटल लिख देंगे। इसके बाद जस्ट नीचे लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, क्या लिखते हैं बाई कैश अकाउंट में, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, न्यू का पार्टनर्स कितना कैपिटल लेके आ रहा है सर, 30,000, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 30,000 यहाँ पे, क्लियर, आसान है, यहाँ पे फटाफट लिख दिया। इसके बाद देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको आप जरूर ध्यान में रखते हुए बांटिएगा, इनको ओल्ड रेशियो में बांटना है, इनका रेशियो है 3:2, तो 3:2 में क्या करेंगे, बांट देंगे, तो 9,000 एंड 9,000
एंड 6000, ठीक है। अब इसके बाद क्या है भाई, इसके बाद हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल का पार्ट होता है, राइट, जो हमें पता है नहीं। और लॉस की बात करें तो यहां पे यहां लिख देते हैं हम लोग टू रिवेल्युएशन अकाउंट, लिख देते हैं टू रिवेल्युएशन अकाउंट। रिवेल्युएशन अकाउंट क्या है भाई, कि हमें लॉस हुआ है, लॉस हमारा डेबिट साइड जाता है, अगर प्रॉफिट होता है तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट साइड जाता है। लॉस कितना हुआ है, 180 या 120, तो वहां पे 180 और 120 करके हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू एन आर में पुट कर देंगे। सिंपल है, आसान है, कुछ दिक्कत नहीं, आप लोग फटाफट करिए। अब बात करते हैं हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो यहां ध्यान दीजिए भाई, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब इसके लिए आपको पहले गुडविल फाइंड करना होगा, क्योंकि यहां पे गुडविल डायरेक्ट दिया नहीं है, तो आपको क्या करना है, गुडविल फाइंड करना है। गुडविल कितना फाइंड करना है सर, 4 ईयर्स के प्रॉफिट के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में 3 ईयर्स का प्रॉफिट दिया है, मैं बता रहा हूँ कि 4 ईयर्स का प्रॉफिट को लेना है। जितने साल का प्रॉफिट दिया है यहाँ पे 20,000, ध्यान दीजिएगा, 20,000 प्लस 14,000 प्लस 17,000 यहाँ पे, ठीक है, प्लस अब हमारा क्या होता है, ध्यान दीजिए, 4 साल का प्रॉफिट है, 1 साल का प्रॉफिट इसमें मिस है, 20,000, 30,000, 40,000, 51,000 और लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा 9,000, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे 4, यानी कि हमारा आएगा कितना, 60,000 प्लस 4 अपॉन 4, यानी कि हमारा आ जाएगा कितना, 15,000, राइट, 15,000 हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट। अब अगर गुडविल की बात करें हम लोग, तो गुडविल क्या निकलता है सर, गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, तो एवरेज प्रॉफिट 15,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 2.5 है, तो हमारा कितना होगा, देखिए 15,000 इंटू 15,000 इंटू यहां पे थोड़ा सा एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट हमारा आई थिंक कुछ गड़बड़, 1 साल की प्रॉफिट इसमें मेंशन नहीं किया है, बट आप चिंता ना करिए, जो भी रहेगा आपका प्रॉफिट आप उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो इस साल के प्रॉफिट को 15,000 ले लीजिए, क्योंकि कुछ दिया नहीं है, दिया ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस साल का प्रॉफिट गिवन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, मान लीजिए 3 साल का ही प्रॉफिट दिया हो और इस साल का प्रॉफिट ना दिया हो, तो ध्यान दीजिए हमारे बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट दिया है 15,000 ना, हमने चेक ही नहीं किया, वहां भी 15,000 प्रॉफिट दिया है। अब इसको हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 66,000 ना, तो 66,000 अपॉन 4 इसको करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा, 16,500 ना, इसको कर लीजिएगा। अब हमारे यहाँ पे 16,500 ध्यान लीजिएगा। अब देखिए कभी कभी यही तो होता है, यही होता है कभी कभी कि हमारे बच्चे ध्यान देते नहीं है और कभी कभी सोचते हैं कि सर 3 ईयर्स का ही प्रॉफिट गिवन है, तो ध्यान दीजिएगा बैलेंस शीट में जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया है ना, वो भी उसको भी क्या करना है, काउंट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 41,500, ठीक है, ये हमारा हो गया पूरे फॉर्म का प्रॉफिट, ठीक है, 41,250 होगा जी, 250 कैलकुलेशन कर लिया करिए आप लोग। अब हम लोग क्या करना है, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, 20 शेयर ऑफ गुडविल, 20 शेयर्स ऑफ गुडविल, 20 शेयर का गुडविल कितना होगा, कितना लेके आएगा वो, 41,250 इंटू 4/15 है उसका रेशियो है, 4/15 आएगा कितना सर, 11,000, ये ध्यान दीजिए 11,000 क्या करेगा, वो प्रीमियम लेके आएगा, इस तरह से इसका वर्किंग रूट होगा। और किस रेशियो में लेके आएगा, कुछ रेशियो दिया नहीं है तो क्या करेंगे, सब आपस में उस रेशियो में ले लेंगे, किस रेशियो में, जो उनका रेशियो गिवेन है, ठीक है, कौन सा रेशियो, 3:2 में, तो इनको क्या करेंगे, 3:2 में आप लोग इसको बांट देंगे, ठीक है। तो 3:2 में 11,000 को बांटेंगे तो हमारा कितना आएगा, 6,600 और 4,400, ये आ गया हमारा यहाँ पे प्रीमियम के अमाउंट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको रफ करते हैं क्योंकि आगे का भी हम लोग कैलकुलेशन करना है कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पे ऐसे कर लिए, आपने गुडविल भी लिख लिया, सब कुछ हो गया, कोई और कोई भी और चीज लिखने के लिए रह नहीं गया ना, बाकी सारी चीजें हो गई हैं लगभग। तो आप क्या करेंगे, इसको टोटल कर दीजिए, टोटल करने है यहाँ पे, टोटल करिए, और टोटल करने के बाद आपको कितना टोटल आएगा सर, 55,600, आप टोटल कर लीजिएगा,
अगर आपको कोई थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत होता है तो आप लोग सुधार लिया करिए, प्लस माइनस तो आप लोग को आता ही है। 40,400 और यहाँ पे 30,000, ठीक है। इसको डबल लाइन से क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, डबल लाइन से क्रॉस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या करना है सर, इसको लिखना है टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी का मतलब आप जितना वहां पे आया है उसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 49,000 टू बैलेंस सीडी। अब क्या करना है, इसमें से माइनस करना है 180 को, ध्यान दीजिएगा। तो 180 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 55,000। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे 55,000 180 माइनस कर दिया तो 420 ना ये आ गया। इसमें से 120 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 40,000, ध्यान दीजिएगा माइनस कर लीजिएगा, 40,280 ना, और इधर आ गया हमारा 30,000, यही ना, सिंपल। बस यहाँ पे क्या करेंगे सर, इसको टोटल कर लेंगे, टोटल हमारा वही आएगा 55,600, 40,400 और 30,000। अब क्या करना है, इसके बाद का जो स्टेप्स होते हैं क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसके बाद का जो स्टेप होता है, इस बैलेंस सीडी को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी करेंगे, और सेम अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, सेम अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे 55,600 और 40,400, 30,000, सॉरी इस अमाउंट करें, यहाँ वाला जो अमाउंट है 55,000, 420, 40,000, 280 और 30,000। यहाँ पे बैलेंस बीडी जो सीडी था ना उसको क्या करेंगे, बैलेंस बीडी में कर देंगे। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, उसके लिए आपको फाइंड करना होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सबसे पहले फाइंड करना होगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि 1 - 4/15, राइट, यही ना उनका रेशियो, किसका, जो हमारा न्यू पार्टनर्स भी आया है उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर, 15 - 11, 11/15, ये हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ, जिसको हम लोग क्या करेंगे बी और डब्ल्यू और आर लेंगे अपने रेशियो में, 3:5 × 11/15 एंड 2/5 × 11/15, और बी का हमारा ऑलरेडी हमारा कितना है 4/15, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं माइनस 11/75, 22/75, इसको 75 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/75, ठीक है। यानी जो रेशियो आएगा इनका कितना, 33:22:20, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा आ गया न्यू रेशियो, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैसे निकालते हैं सर, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म, ये हमने यहाँ पे हमने न्यू रेशियो निकाल दिया, इसको हम लोग क्या करते हैं चेंज करते हैं, हटाते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने के लिए न्यू पार्टनर्स का जो रेशियो रहता है, जो कैपिटल लेके आता है उसको क्या करते हैं हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी 15/4 कर देंगे। तो न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे मैंने पिछले बार, पिछले वाले जो क्वेश्चंस है जो आप लोगों को मिल जाएगा, आई बटन पे क्लिक करिए तो वहां पे मिल जाएगा आप लोगों को, वहां पे मैंने क्वेश्चंस कराया था कि ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किस तरीके से फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल और रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहां पे हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना निकल जाएगा सर, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमारा निकल गया, ध्यान दीजिए, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, रेसिप्रोकल करने के बाद हमारा टोटल कैपिटल कितना आ गया, 1,12,500 ना, इसको कटाइएगा, 1,12,500 हमारा क्या हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया, ठीक है। अब क्या करना है सर, इसमें इसमें करना है हमको टू, यहां पे करना है टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी का मतलब कि डब्ल्यू आर और बी, ये हमारे तीन पार्टनर्स हैं, तीनों पार्टनर्स में हम लोग क्या करेंगे 1,12,500 को उनके रेशियो में बांटेंगे, इस रेशियो में, न्यू रेशियो में, इस रेशियो में सर, न्यू रेशियो में, न्यू रेशियो कितना था 33, न्यू रेशियो कितना था 33, 22 और 20, यही था ना, आपने चेक नहीं किया तो उसको देख लीजिए,
यानी कि अगर हम लोग करें तो 33 अपॉन 75, इसका 22 अपॉन 75 और इसका हमारा है 20 अपॉन 75, यही ना। इनके कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे। कितना सर लिखेंगे, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 49,500 इसका आएगा, 49,500 आपने चेक कर लेना, और फिर उसके बाद 33,000 और 3,000, 30,000 ये आएगा। अब जो हमारा यहाँ पे कैपिटल आया है, टोटल फर्म को हमने डिवाइड किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कैपिटल आया है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, डब्ल्यू की जगह हम लोग 49,500, 33,000 आर का और 30,000 हमारा ऑलरेडी गिवेन है बी का। अब हम लोग, हमारे पास इतना आ गया, ठीक है। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, ये हमारे पास इतनी हमारी एक्चुअल कैपिटल जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका है, होना चाहिए ए। अब क्या करना है, अब करना है हमें कि जो डिफरेंसेस आते हैं, ध्यान देना, जो डिफरेंस आएंगे या तो कैश विड्रॉ करेगा या तो इंट्रोड्यूस करेगा, यानी जो पार्टनर्स का कम पड़ रहा है वो लेके आएगा, जो ज्यादा हो रहा है तो क्या करेगा, लेके जाएगा। अब ध्यान देना, यहां पे होना चाहिए 49,000 और उसके कैपिटल है 55,420, ठीक है। तो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा ना, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट, क्या लिखेंगे टू कैश अकाउंट ना, कितना 49,500, यानी 500 इसका और 5,920, ये अपना क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा 5,920, क्या कर लेगा ये अपना विड्रॉ कर लेगा, और ठीक है। उसके बाद फिर चेक करेंगे हम लोग बी का, डब्ल्यू है आर का चेक करेंगे, तो आर में क्या ना दिया है, आर में हमारे पास दिया है कितना कैपिटल है आर का, आर का हमारा कैपिटल कितना दिया हुआ है, आर का है 33,000 होना चाहिए, है 40,280, तो माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 7,280, ये क्या कर लेगा अपना विड्रॉ कर लेगा। अब उसके बाद देखेंगे तो हम लोग को टोटल आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, टोटल करके डबल लाइन से क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। तो इसको दो बार करना है, ध्यान देना, पहली बार है यहाँ पे, यहां तक करेंगे, फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस बीडी करेंगे। अब हमारा जो एक्चुअल कैपिटल आया ये आया, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल कैपिटल हमारा ये आया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आइए बैलेंस शीट को भी हम लोग फटाफट देख लें। तो जब भी हमारा पार्टनर्स यानी न्यू पार्टनर्स के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को आपको एडजस्ट करना हो, तो सबसे पहले यहां तक आप सीडी तक करेंगे, फिर उसको बीडी करेंगे, फिर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, टोटल कैपिटल को बांटेंगे, फिर बैलेंस सीडी करेंगे, फिर डिफरेंस देखेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे अधिक पैसा है तो निकाल लिए, अगर कम रहता है तो यहाँ लिखते हैं बाई कैश अकाउंट, और पैसा क्या करता और इंट्रोड्यूस करता, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि स्टेप्स को ध्यान देना है, अगर स्टेप्स आपके याद हैं, ध्यान है, और आपके फॉर्मेट याद है कि क्या आते हैं इसमें, क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप, अगर आपको नहीं पता है तो मेरा एक पूरा वीडियो है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड, और वहां पे जा करके पूरा फुल वीडियो है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए बैलेंस शीट देख लें हम लोग। तो बैलेंस शीट एज ऑन कब का डेट दिया है भाई, 31 मार्च 2017, राइट। यहां पे हमारा पहला क्या है, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अमाउंट इन रुपीस, एसेट्स और अमाउंट इन रुपीस, सिंपल फॉर्मेट है। चलिए वन बाय वन लिखते हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में हमारे कोई चेंजेस हैं, नहीं चेंजेस है, तो पूरा अमाउंट क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का हम लोग लिख देंगे जैसे था 20,000। इसके बाद हमारे पास कैपिटल आते हैं, तो कैपिटल तीनों का हमारा आता है भैया डब्ल्यू आर एंड बी, डब्ल्यू आर बी 49,500, 33,000 एंड 30,000, दोनों को ऐड करेंगे तो 1,12,500 टोटल कैपिटल आया था, इतना ही ना, इतना हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैश का एंट्री करते हैं, कैश, तो ध्यान देना कैश के लिए क्या करते हैं, कैश के लिए थोड़ा सा आप लोगों को, कैश ऑलरेडी गिवेन है 5,000, ध्यान दीजिएगा 5,000 गिवेन है, उसमें से उसने क्या किया कि 11,000 प्रीमियम लेके आया है, 5,000 प्लस 11,000 कितना हो गया सर 16,000, 16,000 प्लस
प्लस वो कैपिटल लेके आया 30,000, तो 16,000 और 30,000 हो गया 46,000, राइट 46,000। अब ध्यान देना 46,000 टोटल कैश हुआ, लेकिन उसमें से कुछ पैसा विड्रॉ हुआ है, जो पार्टनर्स ने अधिक पैसा लगाया था उसको क्या कर लिया, उसने निकाला है ना कुछ पैसा यहाँ पे टू कैश अकाउंट करके, तो कितना निकाला है 5,920 W निकाला और 7,280 निकाला था। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 46,000 में से, तो 32,800 आएगा ना, तो उसको यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। इसके बाद हमारा क्या है भाई, डेटर, डेटर्स हमारे पास कितने थे 20,000, 20,000 में से हमने लेस करना है प्रोविजन, प्रोविजन हमारा 1,000 अब हो गया था, 19,000 को क्या करेंगे 12 करेंगे। स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू हमारी 20,000 हो गई थी, पहले था 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 35,000 हो गया था ना, 40,000 हो गया था, कितना 40,000, 35 था ना 40 हो गया था ना, तो 40,000 जो चेंज वैल्यू है उसी को लिखेंगे, जो यानी मार्केट प्राइस की वैल्यू है। और हमारा लास्ट है पेटेंट, पेटेंट में कोई चेंजेस नहीं हुआ था आई थिंक, तो पेटेंट्स 20,700 राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे एंड टोटल डेबिट एंड क्रेडिट आपका 1,32,500, 1,32,500, 1,32,500, यानी कि डेबिट इक्वल टू यानी लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स होना चाहिए, अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपने क्वेश्चंस कर लिया है, आपने 8 मार्क्स के लिए काम कर लिया है और आपके 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ये हमारे कुछ, मैंने 3 क्वेश्चंस यहाँ पे एडमिशन से बहुत इजी सॉल्व कराया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल कराया था, फिर हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल पे, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को किस तरीके से फाइंड करते हैं वो मैंने इससे प्रीवियस वाला वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने सॉल्व कराया कि हाउ टू फाइंड द हाउ टू एडजस्ट द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये क्वेश्चंस 100% आते हैं सर, बार बार आते हैं क्वेश्चंस, आप लोग इसको क्लियरली अच्छे से आप लोग कर सकते हैं, पता है कर सकते हैं, आप लोगों के पास कैपेसिटी है, थोड़ा सा गाइडलाइंस की जरूरत है वो मैं दूंगा। और इसके बाद हमारा जो वीडियो नेक्स्ट आने वाला है वो रिटायरमेंट, फुल फ्लैश सेट रिटायरमेंट, फिर उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। बने रहिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर मार दिया करिए, इससे थोड़ी सी हम लोगों को क्या होता है मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।